दोस्तों, आपने अखबार में कार्टून देखते वक्त कई बार सोचा होगा कि ये कार्टून जिसने बनाया है, काश उससे मुलाकात होती। तो आइए, आज हम एक ऐसे कार्टूनिस्ट से मुलाकात करा रहे हैं आपकी, जो रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं, शंकर रामचंद्र तैलंग। 76 वर्षीय श्री तैलंग जी, कई वर्षों से कार्टून और पेंटिंग में महारत हासिल है इन्हें, और वे शिक्षक भी रहे हैं। आज वे स्टूडियो में एक मुलाकात के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। श्री शंकर रामचंद तैलंग, नमस्कार। नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है दूरदर्शन में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्टून बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, कार्टून बनाने का जो सवाल पैदा हो रहा है, पहले मैं जब छोटा था तब चित्र बनाया करता था जी। चित्र बनाते बनाते मुझे पत्रिकाओं पढ़ने का भी शौक हुआ, और उनमें पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में जो कार्टून छपते थे, उनको देख देख कर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ कार्टून बनाऊं। कार्टून बनाने में ये था कि इसमें किसी प्रकार का नाप तोल नहीं होता है और ना ही कोई एक सिद्धांत होता है। जैसे चाहे वैसे ही आकृति, बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते। हाँ, चाहे किसी का सिर बड़ा बनाओ, लाल हाथ पैर लंबे छोटे मोटे, जिस तरह से भी खींचना हो, इस प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं वो कार्टून कहलाए जाते हैं। कोई अनुशासन वाली बात नहीं होती इसमें? हाँ, उसमें कोई अनुशासन नहीं है, और ना कोई सिद्धांत है, और ना कोई नापतोल है। इसी के आधार पर मैंने कुछ स्केचेस बनाना शुरू किया, और धीरे 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 इसमें कुछ प्रगति करते चले गए जी। तो आपके कार्टून किस किन किन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं? वैसे शुरू शुरू में मेरे कार्टून 1950 में सरता में हुए, और उसके कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान साप्ताहिक में शुरू हुए। अच्छा। इसके बाद हुआ ये कि अपने रायपुर से जो समाचार पत्र निकलते थे उनमें कार्टून छपते ही नहीं थे। मतलब ये कि उस समय 1950 के आसपास अपने रायपुर में कार्टून बनाने वाले थे या नहीं भी थे, उनका समाचार पत्र में किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं होता था। नवभारत, जिनके संपादक गुमलाल जी बोरा थे, उनके समाचार पत्रों में मैंने कार्टून देना शुरू किया, पॉकेट कार्टून जी। और वो धीरे धीरे रोज़ एक निकलते रहे। दूसरा, श्री ललित सुजन, जिनके देशबंधु का समाचार पत्र है, उसमें मैंने कार्टून देना शुरू किया। और वर्तमान में अभी प्रभाकर चौबे के जो हाईवे चैनल है उसमें कार्टून देते रहा आते रहता और बराबर आते रहे जी। इनके अलावा और भी कोई छोटी मोटी कई पत्रिकाएं हैं जिनमें मैं कार्टून भेजता था, और वे बराबर प्रकाशित होते भी रहे हैं जी। जी, तो आप ने बहुत कार्टूनिस्टों के काम देखे होंगे। जी हाँ। तो उन कार्टूनिस्टों, मतलब किससे प्रभावित रहे आप, कौन किसका काम अच्छा लगा आप? देखिए, अपने भारत में कई जो पत्रिकाएं निकल रही हैं उसमें कई किस्म के कार्टूनिस्ट हैं, और जिनके कार्टून बनाने की अपनी अलग अलग शैली है जी। रेखाएं देख के पता चल जाता है कि किसका कार्टून। बिल्कुल, रेखाएं सबके अलग हैं, प्राण के बनाने के तरीके अलग हैं, लक्ष्मण के अलग हैं, शंकर पिल्ले के अलग हैं, कुट्टी के अलग हैं। इस प्रकार से हर एक कार्टूनिस्ट की अपनी एक अलग अलग शैली बन गई है, जिनको देख कर ही मालूम पड़ जाता है कि ये अमुक कार्टून अमुक आर्टिस्ट का होना चाहिए। इन सब कार्टूनिस्ट के देखने पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ मैं ये आर के लक्ष्मण से जी। उनके बनाने के तरीके, शैली, उनके रेखाएं, ये सब मुझे प्रभावित करती रहीं, और उसी को ही मैंने अपना उद्देश्य लेकर कार्टून बनाना शुरू किया, और करीब करीब उन्हीं के तरीके से कार्टून बनाते चले आ रहा हूँ। दूसरे कार्टून जो हैं आबिद सुरती, हंसी मजाक की दृष्टि से इनके कार्टून बहुत ही अच्छे हैं। इसमें कार्टून को डब्बू जी जो आता था, डब्बू जी जो धर्मी में आ रहा, उनके जो बनाने की शैली थी वो अच्छी थी। उसमें हाथ पैर जो बनाए जाते थे या इसके जो किए खींचे जाते थे, उसको देखकर ही हंसी आती थी। भले ही कैप्शन में हंसी ना हो, लेकिन चित्र देखकर बहुत हंसी आती थी। कई कार्टूनिस्ट ऐसे होते हैं जिनके कि बनाने की शैली अच्छी होती है, लेकिन कैप्शन ठीक नहीं होते। किसी के कैप्शन अच्छे होते हैं तो उनके चित्र अच्छे नहीं होते। जैसे अब सुधीर सर वगैरह, ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, इनके अगर मैंने चित्र देखे हैं तो वो कोई खास ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो कैप्शन हैं वो बहुत ही सुंदर हैं।
तो आप कौन से कार्टूनिस्ट को, मतलब किसको महत्व देते हैं आप, आइडिया को या रेखाओं को? नहीं, असल में कार्टूनिस्ट का अर्थ ही होता है कि रेखाएं होनी चाहिए। कैप्शन तो अगर ना भी लिखें तो भी कार्टून ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर ही हंसी आनी चाहिए। कैप्शन तो बात की चीज़ है, फिर भी कैप्शन में ये देखना चाहिए कि वो ज़्यादा लंबे ना हो और बहुत ही कम अक्षरों में, शब्दों में लिखे हों। अभी जो पत्रिकाएं निकल रही हैं उनमें क्या है कि चित्र छोटे होते हैं और कैप्शंस या जो लैंग्वेज लिख जाती है बहुत लंबी लिख जाती है, तो सारा ध्यान पढ़ने वालों का पढ़ने में चला जाता है, चित्रों की ओर कम होता है। जी, तो शंकर्स वीकली पहली पत्रिका थी पूरे देश में जो कार्टून पर चली, बहुत लंबे तक समय तक चली, आपने देखी होगी। हाँ, और तो वो कैसी पत्रिका थी और वो क्यों बंद हुई? वह असल में शंकर जो हैं, शंकर पिल्ले, उन्होंने विदेशों में जो पत्रिकाएं चलती हैं जिनमें कार्टून निकलते हैं उसको देखकर ही उनको प्रेरणा कि हम भी इस प्रकार की कार्टून मैगजीन अपने भारत में निकालें। 1948 में उन्होंने शुरू किया। हाँ, 1948 के आसपास शुरू किया था। पहले उनकी मैंने जो जीवनी पढ़ी है उससे मालूम ये हुआ है कि वे भी कार्टून बनाते थे और समाचार पत्रों को देते थे। फिर धीरे धीरे उनको स्वयं ऐसा मालूम होने लगा कि मैं खुद ही एक पत्रिका निकालूं, और उन्होंने अपने नाम से पत्रिका 1948 में निकालना शुरू किया। यह पत्रिका काफ़ी चली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो सबसे पहले शंकर्स वीकली में अपने कार्टून को देखते थे, वो इतनी अच्छी प्रचलित हुई है। अब जहाँ तक बंद होने का सवाल है, कोई भी पत्रिका जो निकाली जाती है उसमें सबसे पहले अर्थ का होता है, जहाँ पैसा होता है वहाँ पे पत्रिका निकलेंगी। उसके बाद पढ़ने वालों की रुचि होनी चाहिए, फिर कार्य करने वालों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। ये सारी बातें जो आती हैं उससे पत्रिका अच्छी बनती है और निकलती भी है। अब जैसे इनका क्या है, जो पत्रिका बंद हुई है करीब करीब मेरे ख्याल से 1977 के आसपास पत्रिका बंद हुई है। बंद होने का कारण यही है कि शंकर ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अगर कोई बना होता तो ये पत्रिका आज भी चलती। दूसरा संकट, अर्थ का संकट जो है, पैसे की कमी और पढ़ने वालों की कार्टून के प्रति अरुचि, इन कारणों से उन्होंने अपनी पत्रिका निकालना बंद कर दिया। अब जैसे आपके बारे में भी है, आपने भी धीरे 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 पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में स्केचेस दिए, कार्टून छपे, फिर मन में आपके भी ये पैदा हुई कि मैं भी कोई पत्रिका क्यों ना निकालूँ। तो अब शंकर तो के मेरा प्रश्न वही है। हाँ, अगला कि शंकर सिकली के बाद बहुत समय तक लंबा गैप रहा। हाँ हाँ, तो गैप क्यों रहा, क्यों ऐसे प्रयास हुए और क्यों नहीं चली पत्रिकाएं भाई? क्योंकि आप लोग उस समय के समकालीन हैं। जी हाँ भाई, आदमी या तो कार्टूनिस्ट बनता है तो अपने आप को डेवलप करता है। हाँ, लेकिन कार्टूनिस्ट तो बहुत हुए अपने देश में। हाँ, लेकिन पत्रिकाएं नहीं निकली। उसका कारण यह है कि ये अपने जो समाचार पत्र जो पत्रिकाएँ हैं, यहाँ के पत्रकार ये जो संपादक वगैरह जो हैं वो समझते हैं कि ये कार्टून या जो कुछ भी बनाया जा रहा है उसके लायक नहीं है, और हो सकता है कि इनका कोई प्रभाव पढ़ने वालों को पड़ना पड़े। और वैसे अपने कार्टून के लिए कोई न तो संस्था है, न कोई कॉलेज में उसके लिए कोई व्यवस्था की गई कि कार्टून सिखाना, या इस तरह से हो ये रहा है कि कार्टून बनाने वालों की संख्या कमती है, और जो कुछ भी कार्टून बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं है, जो कि समाचार पत्रों को उचित नहीं मालूम होते, इसलिए उसका प्रकाशन धीरे धीरे बंद हो चला गया है। अब एक आप ही हैं जो आपने यह कदम उठाया है और 10 सालों से आप इस प्रयास में लगे हैं, और कार्टून पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी निकलती चली आ रही है। जी जी, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जो नए कार्टूनिस्ट हैं, जी हाँ, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, रेखाओं का ध्यान रखना चाहिए, आइडिया का रखना चाहिए, धैर्य का रखना चाहिए? भाई, एक कार्टून बनाने में सबसे पहले तो आकृति ठीक होनी चाहिए। आकृति के साथ साथ जो कैप्शंस लिखे जाते हैं वो उचित और कम संख्या के शब्दों में होना चाहिए। अगर शब्द संख्या ज़्यादा होगी और कार्टून स्केच कम होंगे उसका कोई महत्व नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि आज जो कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं या जो चित्र कार्टून बनाना चाहते हैं, उनको तो सबसे पहले सब पत्रिकाओं में जो समाचार पत्रों में छपते हैं या पत्रिकाओं में छपती हैं उनको देखकर उनका अध्ययन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि हर एक कार्टूनिस्ट के जो बनाने के शैली है, तरीके हैं, उसको अध्ययन करो और उसके आधार पर ही कार्टून बनाना सीखो।
तब जाके अच्छे कार्टूनिस्ट बन सकते हो, वरना आज के ज़माने में जो कार्टूनिस्ट हैं जिनके कार्टून छप रहे हैं उनमें मैं देखता हूँ कि रेखाओं में कोई फोर्स नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, स्ट्रोक्स नहीं है, हाँ कोई स्ट्रोक नहीं है, सीधे सीधे खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसको देखने में कोई मज़ा नहीं आता जब तक कि उनमें लय का फोर्स और गति हो, वो अच्छे कार्टून माने जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कार्टून बनाने में कम से कम रेखाओं का उपयोग होना चाहिए। अभी जो कार्टून निकल रहे हैं या जो कार्टून बनाए जा रहे हैं वो एक ही लाइन से पूरे को कवर करते बनाते हैं, जो कि मेरी दृष्टि से अच्छे कार्टून नहीं होते। उसमें तो जैसे अब शंकर के या तुम्हारे इसके लक्ष्मण के, इनके कार्टून के जो देखें तो मालूम होगा कि कहाँ पे मोटी लाइन है, कहाँ पे बारीक है, कहाँ पे उन्होंने छोड़ दी लाइन को, कपड़े की सिल बनाना है तो किस प्रकार से स्ट्रोक देना चाहिए, ये सारी बातें हैं जो कि हर एक को सीखना चाहिए। अच्छा, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो कार्टूनिस्ट है वो पेंटर भी है या वो चित्र भी बनाता है। हाँ, तो आपके साथ ये दोनों चीज़ें हैं कि आप चित्र भी बनाते रहे हैं और बहुत अच्छे पेंटर भी रहे हैं। जी हाँ, तो आप उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि उस मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे जमा आप? देखिए, अच्छे कार्टूनिस्ट वही हो सकते हैं जिनकी चित्र बनाने का तरीका अच्छा हो। तो कार्टून बनाने के सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि स्केचेस और चित्रकारी या ड्राइंग और पेंटिंग, जब इसमें आपको पूरी सफलता मिल जाती है तब आप कार्टून में आइए। जब तक आपको स्केच और ड्राइंग नहीं आएगी तब तक आप अच्छा कार्टून नहीं बना सकते, ये मेरा ध्यान है। जी जी, तो आप इसकी कोई क्लास भी लेते हैं या नए पीढ़ी को कुछ सिखाते हैं? अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनका कार्टून बनाने की तरफ कोई इरादा नहीं है या उनमें कोई रुचि नहीं है। अभी तो सिर्फ कार्टून बनाते का मैं देखते ज़्यादा हैं। हाँ, अभी तो उनकी रुचि सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग करने की है कि अच्छे से अच्छे चित्र बनाए और घर में टांगे, ये उनका आजकल के विद्यार्थियों में ये प्रचलन ज़्यादा है। अच्छा, आप 76 साल हो गए आपको, तो आपने बहुत पुराना ज़माना भी देखा है। जी हाँ, आज़ादी के पहले का भी देखा है। तो उस समय के माहौल में, अभी के माहौल में, उस समय के स्टैंडर्ड में या कार्टूनों में या लोगों में आप क्या फ़र्क मानते हैं? पहले जो कार्टून छपते थे वो सिर्फ रेखाओं के ही आधार पर बनते रहे, अब तो प्रिंटिंग में इतना विकास और इतनी प्रगति हो गई है, अब रंगीन भी आ गए, अब रंगीन भी आने लगे हैं और साइड और शेडिंग वाले भी कार्टून बनने लगे हैं, ग्राफिक्स भी आ गए, ग्राफिक्स भी आ गए, ये सब पहले नहीं थे। पहले तो सिर्फ काली लाइन से कार्टून बनते थे, अब आकर्षण इतना अधिक हो गया है कि चित्र जो बन रहे हैं उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया, अब तो प्रिंटिंग मशीनें एक से एक आ गई हैं, तो समाचार पत्रों की भी रूपरेखा बिल्कुल बदल गई है। पहले तो समाचार पत्र जो है 4-6 पेज के निकलते थे, आजकल तो 24-24 और 32-32 पेज के निकलने लगे हैं। एडवर्टाइजमेंट पहले कम थे, अब सारा पूरा समाचार पत्र एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों से भरा होता है। जी, तो कार्टूनिस्ट की एक अलग दृष्टि मानी जाती है कि वो जहाँ भी जाता है, जैसे आर के लक्ष्मण जी जब रायपुर आए थे तो उन्होंने एक संस्मरण बताया था कि जब वो किसी होटल में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि धूम्रपान निषेध लिखा हुआ था और वहाँ पर ऐश ट्रे भी रखी हुई थी, तो उन्होंने बैंक उसके होटल के मैनेजर को बुला के बताया कि तुम्हारा ये विरोधाभास कैसे है। तो ये चीज़ मैनेजर को नहीं दिखी लेकिन आर के लक्ष्मण जी को दिख गई। तो वैसे ही आपकी दृष्टि में ऐसा क्या, कैसे खोजते हैं आप? मेरे जितने भी कार्टून बने हैं या प्रकाशित हुए हैं उन सब में यही चीज़ मैंने बनाई है जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, और जहाँ कहीं भी गलती मालूम होती है वहाँ पर उसको बनाता हूँ। तो एक कार्टूनिस्ट की जो है निगाह तेज़ होनी चाहिए, उसको हर चीज़ बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब तक वो अपनी खुली आँख से किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा तब तक वो सफल कार्टूनिस्ट नहीं बन सकता और ना ही अच्छे किस्म के कैप्शंस लिख सकता है। आप मेरे जो भी कार्टून देखेंगे उनमें कम शब्दों का उपयोग किया गया है और जो कुछ भी मैंने अपने आँखों से देखा है उसी को ही उतारा है। अभी एक हम आपका कार्टून दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। हाँ, जिसमें वो पानी भर रहा है आदमी। हाँ हाँ, और लेकिन वो आपके जैसा नहीं है, तो बहुत बलिष्ठ आदमी है। जी, तो वो प्रेरणा कैसे मिली आपको? आप खुद भी पानी भर रहे थे या कैसे आपको आइडिया आया? मैं पानी नहीं भरने चला, मैंने देखा है, इसीलिए तो मैंने उस कार्टून को बनाया है। अच्छा, आपने आस पड़ोस में कहीं देखा? हाँ, वो नगर निगम की जब टैंकर आती है लोग बाल्टी ले लिए भागते दिखाई देते हैं, उसी के देख कर मैंने ये कार्टून बनाया था
एक आदमी दुबला पतला, लेकिन दो महीने के अंदर उसकी अच्छी हेल्थ बन गई, तो उसका कारण वही है कसरत करते रहा और नगर निगम ने कसरत कराने को उसको मौका दिया। तो आप लोग ऐसे मतलब जिसने मुश्किल समय में भी आप लोग हाथ से ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो ये जो प्रतिभा है ये मतलब कैसे विकसित होती है, कि भगवान देता है इसको? नहीं, भगवान तो खैर देता ही है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें देख देख कर ही सामने आती हैं। आप जितनी अच्छी तरह से तीज निगाह से देखेंगे और ग्रहण करेंगे और उसको स्केच करके दिखलाएंगे, वो उसमें उतना ही आनंद आएगा। अच्छा, ये तो ऐसा कोई कार्टून और याद है आपको जिसको देख के बहुत आनंद आया हो लोगों को और आपको बहुत प्रतिक्रिया मिली हो? एक कार्टून मैंने जो बनाया था वो ऐसा था कि दो औरतें नल के पास खड़ी पानी भरने के लिए आई हुई हैं, नल नहीं आ रहा है। एक सहेली उसको संबोधित करते हुए बोलती है, दमयंती अब घर चल, अब नल नहीं आने वाला। क्या बात। हाँ, यही कार्टून मेरा सबसे पहले सरता में भी प्रकाशित हुआ था, नल दमयंती वाला। हाँ, नल दमयंती के आधार पर। बहुत अच्छा। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभी क्या महसूस होता है कि आगे क्या स्कोप है कार्टूनिस्ट लोगों का, क्योंकि अभी तो बहुत सारी विधाएं हो गई, एनिमेशन हो गया है, ग्राफिक हो गया है, डिज़ाइनिंग हो गई है। तो अब जो एक कार्टूनिस्ट जो होता था वो अलग अलग विधाओं में प्रसारित हो गया है, प्रचारित हो गया है, तो आपको क्या लगता है स्कोप आपको आगे? इसका तो स्कोप बहुत है, क्योंकि अब जितनी भी मैगजीन निकल रही हैं वो कार्टून पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। जब तक कोई भी पत्रिका में या समाचार पत्र में कार्टून नहीं होगा तब तक उसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे एक स्त्री के माथे में सिंदूर से उसका चेहरा चमक जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाचार पत्रों में जो कार्टून छप जाते हैं उससे उन पत्रों का या समाचार पत्रों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो अब तो ये अनिवार्य तरीका ही हो चुका है कि समाचार पत्र में कोई ना कोई एक कार्टून होना चाहिए, और इसके लिए समाचार पत्र के संपादक को या जो भी व्यवस्था करते हों उनको चाहिए कि जितने भी अब नए कलाकार या नए व्यंग्यकार हो रहे हैं उनको अपने समाचार पत्रों में स्थान दें, तभी जाकर ये आगे आने वाले पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये समाज को कहा जाता है कि कार्टूनिस्ट समाज को जगाता है, तो क्या आपको लगता है कि कार्टून से समाज को कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्टून एक ऐसा है कि आप समाचार पत्रों का जो पूरा लेखा जोखा है वो एक छोटे से चित्र में समा जाता है। इसका प्रभाव जाकर लोगों के मन पर भी पड़ता है, क्योंकि जो कार्टून होते हैं वे आज की समस्याओं के विपरीत ही होते हैं, और इससे समाज को काफ़ी सुधरने का मौका मिलता है। जैसे कि ये कई उदाहरण हैं, जैसे पानी की समस्या है, किसी बात की जो समस्या है उसको कार्टूनिस्ट अपने ढंग से बताता है, जिसको लेकर लोग अपने आप को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि कार्टून का बहुत अच्छा इस्तेमाल समाज के लिए हो सकता है, जैसे सकारात्मक रूप से, जैसे एड्स के लिए, पर्यावरण के लिए, मलेरिया संरक्षण के लिए, सफाई अभियान के लिए? ये तो हो ही रहा है। फिर आपकी जो पत्रिका है, आप जो हर साल कार्टून फेस्टिवल बनाते हैं, उसका एक ही कारण है कि जो आज समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से उनको रेखांकित करना, किस प्रकार से लेना है उसको, किस प्रकार से समाधान करना है, ये मुख्य उद्देश्य है कार्टूनिस्ट का। तो हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए आप कुछ बनाकर दिखाएं, ताकि हमारे लिए भी एक धरोहर के रूप में ये चीज़ रहे दूरदर्शन के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा कार्टून आप बनाएं। कोई सब्जेक्ट लेकर बनाया कि ऐसे नहीं, कोई आप जैसा आप चाहें, अगर सब्जेक्ट आ जाए तो भी ठीक है, और सामान्यतः आप जैसा बनाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं, ऐसा क्यों है कार्टून? अब मेरे एक अभ्यास हो गया ना बनाते बनाते, 50 साल भी तो हो गए काम करते करते। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है पेंसिल की या रबर की, डायरेक्ट एकदम आप सीधा बना लेते हैं? बिल्कुल एकदम। बाकी लोग जो है पहले पेंसिल से बनाते हैं, फिर बनाएंगे मिटाएंगे, उसके बाद इंक करते हैं।
तो पहले आप पेंसिल से बनाते रहे होंगे? पहले तो शुरू शुरुआत शुरुआती दिनों में। और दूसरा बनाओ। एक यहाँ दूरदर्शन के उस पर कुछ बना दीजिए जो आपका साक्षात्कार चल रहा है इस पर, या कोई किसी विषय बना दीजिए, नल दमयंती वाला बना दीजिए। अच्छा ठीक है, एक और बना देता हूँ जी। बहुत कम रेखाओं में अपनी बात कहने का कार्टून प्रयास का करते मतलब हैं वही है जी। नल दमयंती वाला आप बना रहे हैं? अच्छा नहीं, दूसरा बना रहा हूँ। अच्छा उसके क्या, उसको ही बना हाँ, देता कोई हूँ। बना दीजिए जो आप चाहें। हाँ वैसे आपके कार्टून सामाजिक ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक हाँ कम सब होते हैं सामाजिक ज़्यादा है, राजनीति में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। बिल्कुल आम जीवन से जुड़े हुए कार्टून आपके रहते हैं। डॉक्टर साहब ने गले में खराबी बताई, बहुत बढ़िया कार्टून बनाया आपने। दर्शकों को दिखा दें आपने जो बनाया है। डॉक्टर साहब ने गले में खराबी बताई, हीरे का हार खरीदना होगा। बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे स्टूडियो में आए, और आपने इतना अच्छा कार्टून बनाया हमारे लिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि हीरे का हार पहनना जरूरी है गले की खराबी के लिए, तो ये बात जो हर पत्नी अपने पति से कहती है। तो आज एक मुलाकात के दौरान आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।